हेलो दोस्तों, आपका इस सेशन में स्वागत है। आज का हमारा सेशन होने वाला है थोड़ा अलग लेकिन मज़ेदार। मज़ेदार इसलिए क्योंकि हमने इसमें मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो देखने में तो काफ़ी सीधे लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सॉल्व करने जाएंगे तो वो थोड़े से टेढ़े होंगे। वैसे ये सारे प्रश्न एक तीसरी या चौथी कक्षा का विद्यार्थी आराम से कर सकता है, लेकिन कभी कभी बड़ी उम्र के लोग भी ऐसे प्रश्नों का गलत जवाब दे देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, कौन किससे बड़ा। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या 1/a भी 1/b से बड़ा होगा या छोटा होगा। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि दो संख्याओं के रेसिप्रोकल लेने से उनके बीच का संबंध बदल जाता है। जैसे कि अगर 5 4 से बड़ा है तो 1/5 विल बी लेस देन 1/4, राइट? ठीक है, तो चलिए इसी प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या -a भी -b से बड़ा होगा या छोटा होगा। यह तो काफी आसान है, इसमें 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। धनात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है ऋणात्मक संख्या उतनी ही छोटी। आप 5 और 4 वाला एग्जाम्पल फिर से देख लें। अगर 5 4 से बड़ा है तो -5 -4 से छोटा होगा, राइट? अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं तो अगला प्रश्न आपके लिए आसान होना चाहिए। अगर a b से बड़ा है तो क्या -1/a भी -1/b से बड़ा होगा या छोटा होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। इसका जवाब है ऑप्शन ए। सीधी सी बात है, अगर a b से बड़ा है तो रेसिप्रोकल लेने से उनका रिलेशन चेंज होगा, मतलब 1/a अब छोटा होगा 1/b से, और जब उनके आगे माइनस लगाएंगे तो वह संबंध फिर से बदलेगा और अब हो जाएगा -1/a इज ग्रेटर देन -1/b, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सिंपल क्वेश्चन की ओर। जब मैं 10 साल का था तो मेरी बहन की उम्र मेरी उम्र की आधी थी। आज मैं 30 साल का हूं तो मेरी बहन की उम्र कितनी होगी? 15 साल, 5 साल, 25 साल या 60 साल? और यहां पर होता है आपका समय समाप्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जब मैं 10 साल का था तो वह 5 साल की थी। 20 साल बाद मैं 30 साल का हुआ और वह 25 साल की। सिंपल। मुझे उम्मीद है कि अब तक के प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया होगा, लेकिन अगले प्रश्नों में भी ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैंने एक पेंसिल 10 रुपए में खरीदी और 11 रुपए में बेच दी तो मुझे कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ? ऑप्शन ए 10% से कम, ऑप्शन बी 10% से ज्यादा या ऑप्शन सी 10%। यह तो काफी सिंपल है एंड द राइट आंसर इज 10% का प्रॉफिट। वेरी सिंपल। तो चलिए इसे सिंपल से डिफिकल्ट बनाते हैं। अगर मैं पेंसिल 11 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेच दूं तो मुझे कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा? सबसे पहले तो इस केस में प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अब की बार हम ज्यादा पैसे में पेंसिल खरीद कर कम पैसे में बेच रहे हैं। और एक और बात, लॉस होगा 10% से कम का, क्योंकि 1 रुपया 10 रुपए का 10% होता है, लेकिन 11 रुपए का 10% से कम होगा। इसलिए सही उत्तर है 10% से कम का लॉस। तो दोस्तों, आपको यह प्रश्न कैसे लग रहे हैं? है ना सिंपल? क्या आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे? तो अगला क्वेश्चन है, 864 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 1 8 एंड 8 8 64 और हमें उत्तर मिला 18। इज इट द राइट आंसर?
No. The right answer is 108. Zero is very important. Okay friends, आज के सेशन में बस इतना ही. अगर आप इस टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कितना अच्छा लगा. बेल आइकन दबाएं और अगले वीडियो की जानकारी हासिल करें. तो मिलते हैं अगले सेशन में, अब की बार पूरी तैयारी के साथ.